12 साल से कम उम्र के नाबालिगों से रेप पर मिलेगी मौत की सजा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पॉक्सो में संशोधन के अध्यादेश को दी मंजूरी। कल सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर किया था संशोधन। रेप कांड पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का विवादित बयान। देश में रेप की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, एक दो घटनाएं होती रहती है, बाघ का पतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। कठुआ और उन्नाव गैंगरेप को लेकर दुनिया भर के लोगों में गुस्सा। देश और विदेश के करीब 600 शिक्षाविदों ने पीएम मोदी को लिखा खुला खत, पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों और विधायकों से की बात। खुद को किसान दलित हितैषी बताने का दिया मंत्र, कहा सरकार की योजनाएं जनता तक ले जाएं। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, 2019 का चुनाव हमारे लिए अहम, 50 साल तक सरकार में बने रहना चाहते हैं। नीरव मोदी माल्या जैसे भगोड़ों की प्रॉपर्टी होगी जब्त। सरकार ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश को दी मंजूरी। राष्ट्रपति ने किए हस्ताक्षर। दिल्ली महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने तोड़ा अनशन, कहा अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो करूंगी बड़ा आंदोलन। इंदौर में 8 महीने की मासूम के साथ रेप के आरोपी पर फूटा लोगों का गुस्सा। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी को जमकर पीटा। सीताराम येचुरी फिर चुने गए सीपीआईएम के महासचिव। वाम दल की चयनित 95 सदस्य केंद्रीय समिति ने दी स्वीकृति। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों का आतंक, नक्सलियों ने विस्फोट कर उड़ाया बिजली सबस्टेशन, घटना के बाद जारी किया गया अलर्ट। एयर इंडिया की फ्लाइट 15,000 फीट पर एयर टर्बुलेंस का हुई शिकार, 3 यात्री जख्मी, खिड़की का अंदरूनी हिस्सा उखड़ा। वाघा बॉर्डर पर परेड के बीच में कूदा पाकिस्तानी गेंदबाज, लोगों को भारत के खिलाफ उकसाया, शिकायत करेगी बीएसएफ। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद नामांकन की नई तारीख का ऐलान, नामांकन की आखिरी तारीख 23 अप्रैल रखी गई। दिल्ली के मधुविहार में बस ने युवक को कुचला, युवक की मौके पर ही मौत, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। काबुल मतदान पंजीकरण केंद्र के बाहर आत्मघाती हमला, विस्फोट में 31 लोगों की मौत, 50 घायल। 92 साल की हुई लंदन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, रॉयल अल्बर्ट हॉल में मनाया जन्मदिन, 41 तोपों से दी गई सलामी। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम हुए महंगे, पेट्रोल की कीमत 74.40 रुपए, जबकि डीजल के दाम 65.65 रुपए हुए, सितंबर 2013 का टूटा रिकॉर्ड। खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा अकाउंट को आधार से लिंक कराना जरूरी, अभी तक आखिरी तारीख का ऐलान नहीं। आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। 4 मैच में से 3-3 पर कब्जा जमा चुकी हैं दोनों टीमें। और शादीशुदा एक्टर मिलिंद सोमन फिर से कर रहे हैं शादी, दुल्हन अंकिता के साथ निभाई हल्दी और मेहंदी की रस्में, फोटो सोशल मीडिया पर छाई।